सवाल करना कि चीनी फौज घुस गई है अंदर, वहाँ सेना भी तैनात है, पैंगोंग लेक के बारे में कितनी झड़प हुई, अभी भी जो डेलीगेशन है वो बातचीत नहीं बन पाई है, डोकलाम वाला मामला हमें याद है, तमाम चीज़ें हमें याद है। ऐसे में राहुल गांधी का बयान और साथ ही मेजर साहब का कहना है, क्या आप प्रीति? हाँ जी, देखिए क्या है, मुझे लगता है पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त जो है वो राहुल फोबिया हो गया है। और शुरुआत से चलते हैं, जब देश के अंदर नोटबंदी करी गई तब राहुल गांधी साहब ने भारतीय जनता पार्टी को और तमाम देशवासियों को बताया कि एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने मजाक उड़ाया और माननीय प्रधानमंत्री जी चीख चीख के कहते रहे 50 दिन दीजिए मित्रों, 50 दिन, जब मेरी कोई गलती निकल जाए या मेरा इरादा निकल जाए तो जिस चौराहे पे कहेंगे मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो क्या हुआ आपको पता है, कितना बड़ा डिजास्टर था नोटबंदी, आज माना जा रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने GST करी रातों रात, मास्टर स्ट्रोक मारा है सरकार ने, फिर राहुल गांधी साहब ने इनको चेताया कि छोटे व्यापारी खत्म हो जाएंगे। मैं आ रहा हूँ, मैं पूरी बता रहा हूँ, एक सिलसिला है पूरा, इन्होंने राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाया। उसके बाद 3 कृषि कानून बिल लेकर के आते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि भाई राहुल गांधी साहब गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ये किसानों के फेवर में है। और उसके बाद आप देखिए क्या हुआ, जब जब राहुल गांधी साहब इनको चेतित करते हैं, देश को बताते हैं कि किस तरीके से सरकार चुपा रही है, झूठ बोल रही है। सवाल उठाना हुआ नहीं, क्योंकि अभी अभी नहीं, नहीं, पीयूष पंजी भी कह रहे थे सेना के ऊपर नहीं, इसके पुख्ता कोई कोई सवाल प्रीति, ये भारत सुनिए सुनिए राहुल जवाब, नहीं 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 पुख्ता कोई नहीं, सेना के ऊपर क्या ना, ये तो भारत भी कह रहे हैं कि पुख्ता कोई साक्ष्य नहीं है। मुझे अपना कम से कम मुझे एक मिनट तो कंप्लीट करने दीजिए, चलिए ठीक है। राहुल गांधी साहब ने कभी सेना के ऊपर या इस देश के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया और वो हमेशा सच्चे नागरिक की तरह, सच्चे देशभक्त की तरह बार बार सरकार को आईना दिखाते हैं, लेकिन राहुल गांधी साहब बोलते हैं जब, तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, बड़े बड़े नेता आकर के माइक के ऊपर अनलगल बयानबाजी करना चाहते हैं। अरे इन्हीं के सांसद तापिर गांव साहब ने सदन के अंदर, मैं बार बार कहता हूं, सदन के अंदर तापिर गांव साहब ने अरुणाचल को लेकर के बात कही तो वो क्या झूठ बोल लेते सदन के अंदर? आपने निकाला, कार्रवाई करते आप उनके ऊपर, तापिर गांव साहब के ऊपर कहते नहीं झूठ बोल रहे हो? तो आप ये डिसाइड कर लिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद सदन में कह, वो तो सदन के अंदर रिकॉर्डेड बयान है ना, उसको देख लीजिए। फिर उनके वहां के विधायक भी कई बार, भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक बोल चुके हैं, सुनने को तैयार नहीं होते। मणिपुर के ऊपर भी बार बार राहुल गांधी साहब ने कहा तो इनको, क्योंकि केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि एक इंच भी जमीन नहीं गया है, आरोप लगा रहे हैं, तो हवा हवाई थोड़ी कोई लगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।